इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है, कैसे देशभक्ति की परिभाषा को बदल दिया गया है। आज जो साहिब मसनद हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर अंग्रेज ना आते तो शायद भारतवर्ष ही ना रहता। और अंग्रेजों को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि मुगलों को अगर अंग्रेजों ने शिकस्त ना दी होती तो भारत में हिंदू मजहब ना होता, लिहाजा बहादुर शाह जफर हो या फिर टीपू सुल्तान, आज इन्हें कौन याद करता है। अरविंद शुक्ला ने जो लिखा है उसी को यहाँ दोहराने की जरूरत कर रहा हूँ। जब मुगलों ने पूरे भारत को एक किया तो इस देश का नाम कोई इस्लामिक नाम नहीं रखा बल्कि हिंदुस्तान रखा। हालांकि इस्लामिक नाम भी रख सकते थे, कौन इसके मुखालिफ खड़ा होता, किसकी हिम्मत हो सकती थी। जिनको इलाहाबाद और फैजाबाद चुपता है वह समझ ले कि मुगलों के ही दौर में रामपुर बना रहा तो सीतापुर भी बना रहा। अयोध्या तो बसा ही मुगलों के दौर में। आज के माहौल में मुगलों के बारे में सोचता हूँ, मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उन्होंने बेवकूफी की है। होशियार तो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, होशियार मैसूर का वडियर घराना भी था और जयपुर का बादशाही खानदान भी था, तो जोधपुर का भी बादशाही खानदान अकलमंद रहा। वाकई बेवकूफ तो मुगल थे, टीपू सुल्तान थे या बहादुर शाह जफर, सब बेवकूफी कर गए क्या। और कोई चीतड़े चीतड़े होकर इस मुल्क के खातिर शहीद हो गया तो किसी को देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। और इन सब की नस्लें इस देश के खातिर सब कुछ निछावर कर आज भीख मांग रही है। अंग्रेजों से मिल जाते तो वह भी अपनी महल बचा लेते और अपनी रियासत बचा लेते। वडियर, जोधपुर, सिंधिया और जयपुर राजघराने की तरह इनकी भी नस्ल आज ऐश और आराम में रहती, इनके भी बच्चे आज मंत्री, एमपी, एमएलए बने रहते। यह आज का दौर है, यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से ही इंसान देशभक्त हो जाता है। चाहे इनकी तारीख देश से गद्दारी की ही क्यों ना हो, बहादुर शाह जफर ने जब 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुल्क की कयादत की और इनको पूरे देश के राजा रजवाड़ों और बादशाहों ने अपना काई तस्लीम कर लिया था। खूरेज जंग के बाद अंग्रेजों की धोखे फरेब और गद्दारी से बहादुर शाह जफर को शिकस्त नसीब हुई और गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश कैद में जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज ने उनके सामने थाली में परोस कर उनके बेटों के सर लाए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बेवकूफ थे बहादुर शाह जफर, आज इनकी नस्लें भीख मांग रही है। अपने इस हिंदुस्तान की जमीन में दफन होने की उनकी चाह भी पूरी ना हो सकी और कैद में ही वह रंगून और अब बर्मा की मिट्टी में दफन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी कब्र की निशानी भी ना छोड़ी और मिट्टी बराबर करके फसल उगा दी। बाद में खुदाई में उनका वहीं से जिस्म के कंकाल निकले और फिर शनाख्त की गई, फिर उसके बाद कब्र बनाई गई। सोचिए कि आज बहादुर शाह जफर को कौन याद करता है, क्या मिला इनको देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर अपने खानदान की कुर्बानी से। 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हुई थी, किसी ने उनको याद भी नहीं किया, कोई नहीं, ना राहुल गांधी ना मोदी ने। ऐसी तारीख और देश के लिए कुर्बानी किसी संगी का होता तो शायद अब तक सैकड़ों शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम उनके नाम पर रख दिए गए होते। अपने बयान में इसी यूपी के वजीर आला योगी ने कहा था कि और तंज किया था कि टीपू सुल्तान की नस्ल आज रिक्शा चला रही है, और मुसलमानों को मुखातिब होते हुए कहा था कि टीपू सुल्तान की नस्ल रिक्शा चला सकती है तो तुम्हारा भी हश्र इसी तरह होगा। इस पर भीड़ ने तालियां और शोर मचाया था, योगी की हिमायत की थी। आखिर इस सोचो फिक्र को क्या कहा जाए, क्या वाकई जिन्होंने इस मुल्क के खातिर अपनी कुर्बानियां दी महज मुसलमान होने पर इन्हें हकीर बना दिया जाए और इस पर आवाम तालियां पीटती रहे, क्या वाकई वो बेवकूफ थे। और शायद यही बात सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। मुगलों पर तो ना जाने क्या क्या कहा जाता है, अब तो मुगलों का बदला यहाँ के मुसलमानों से लेने की बात कही जाती है। मुगलों ने देश को बहुत कुछ दिया है लेकिन तारीख को बदला जा रहा है, गाँव के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की चापलूसी कर आज अख्तदार तक पहुंचने वाले इसी तरह धोखा फरेब से महज नाम ही बदल सकते हैं, फर्जी तारीख को दर्ज कर सकते हैं लेकिन अपने लहू से तारीख के औराक को रंगने की जुरत इन्हें नसीब नहीं होती। 7 नवंबर 1862 को अजीम बादशाह बहादुर शाह जफर जो हकीकत में बहादुर था इसको याद करते हुए चंद अल्फाज इसी तरह शेर मैसूर, टीपू सुल्तान जिनकी यौम पैदाइश इसी नवंबर 20 को जिनकी हुकूमत तकरीबन शुमाली हिंद में थी, हर शहर गांव का नाम बदल सकते थे लेकिन जब पैदा हुए थे तब भी सिर रंग पट्टन था,
तब भी देवनहल्ली ही था, क्यों नहीं बदला नाम, जबकि इनके नाम से दूर दराज के राजा महाराजा कांपते थे। क्या मुश्किल था इन्हें नाम बदलने में। आज भी तारीख क्या और आग गवाह है, ये वो बादशाह थे जिन्होंने इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा। उस वक्त भी हिंदू अक्सरियत अवाम थी, आज भी है। तब मुस्लिम हुक्मरान होने के बावजूद भी कभी हिंदू मजहब खतरे में नहीं रहा, पर आज अक्सरियत से जीत कर मुकम्मल हुकूमत बनाकर हिंदू मजहब खतरे में होने की बात कही जा रही है और शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा, सोचने की जरूरत है। सोच बदलोगे तो यकीनन देश बदलेगा, हुक्मरान बदलेंगे, देश तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। यही आज का पैगाम। तीन काले कानूनों को रद्द करने का फैसला वजीर आजम मोदी ने लिया। शायद इन्हें यूपी चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को लेना पड़ा होगा, लेकिन जब से फैसला वापस लिया है मोदी की मुश्किलों में इजाफा ही होता जा रहा है। एक तरफ किसान अब भी एहतजाज पर डटे हुए हैं तो केजरीवाल ने 750 से भी ज्यादा किसानों की इस काले कानून की वजह से मौत हुई है, जिस पर मोदी सरकार देश से माफी मांगने का मुतालबा किया है। वही हिंदुत्ववादी लीडरों ने भी इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। कंगना रानावत ने जो हमेशा की तरह बिल वापसी पर भारत को जिहादी मुल्क कहा है, इसी तरह से सिख समुदाय पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिससे इन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आजकल कंगना रानावत को कुछ ज्यादा ही बोलते देखा जा रहा है। वैसे भी इस बी ग्रेड फिल्मी अदाकारा को घटिया मकबूलियत बटोरने का शौक रहा है। कभी आजादी को भीख तो कभी जावेद अख्तर के खिलाफ मुकदमा फाइल किया था, जिसे वो हार गई। इसके बाद उन्होंने तो अदालत पर ही भरोसा ना होने की बात कही थी। महात्मा गांधी पर भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। लिहाजा अब इनकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है और पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। आज की मकामी खबर पर एक नजर। अदालत ने हलगा बाईपास मामले पर रोक लगाने के बाद यहां पर काम को बंद कर दिया है। वैसे अदालत के फैसले के बाद भी काम को जारी रखा हुआ था, लेकिन ठेकेदार को सवाल पूछने पर काम को बंद कर दिया गया। वड़गांव में पावर लूम मजदूर ने कर्जदार होने की वजह से खुदकुशी की थी, लिहाजा इनके घर एमएलए सतीश जारकीहोली ने जाकर हौसला देने की कोशिश की। पिछले लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया था, जिसमें गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। आखिरकार भुखमरी की नौबत की वजह से पावर लूम मजदूर ने खुदकुशी की थी। सतीश जारकीहोली ने सरकारी इमदाद दिलाने का भरोसा दिलाया। एमएलए सतीश जारकीहोली चुनाव के नजदीक आवाम तक पहुंचकर मसाइल को समझने की कोशिश की जा रही है, ऐसी भी चर्चा जारी है। कानून साज असेंबली यानी कि विधान परिषद चुनाव फिर से भाजपा अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी, ऐसा साबिक वजीर आला येडियुरप्पा ने आज कहा। भाजपा 17 पर जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा भरोसा भी जताया। बेलगाम में आज भाजपा की जानिब से जन स्वराज यात्रा का एहतमाम किया गया था। इस पर साबिक वजीर आला और कांग्रेस का एक सिद्धरामैया ने तंज करते हुए कहा था कि यह जन स्वराज यात्रा नहीं बल्कि जन बर्बाद यात्रा है। भाजपा और कांग्रेस की जानिब से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आज के इजलास में भाजपा कायद रमेश जारकीहोली और भालचंद्र जारकीहोली दोनों भाई गैर हाजिर नजर आए। बेलगाम बार एसोसिएशन चुनाव मुकम्मल हुए, जिसमें बतौर बार एसोसिएशन सदर प्रभु यत्नट्टी तो नायब सदर सुधीर चौहान और सचिन चिवन्नावर ने जीत दर्ज कर दी। बेलगाम में मौसम सरमा एंड विंटर सेशन 13 दिसंबर से होना तय पाया गया। बसवराज ओरट्टी ने पिछली मर्तबा भी बेलगाम सुवर्ण सौध में अधिवेशन करने की मांग की थी, लिहाजा बेलगाम जिले में बाढ़ और फिर कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया, लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी है। कुल 10 दिन तक विंटर सेशन होगा, जिसकी तकरीबन तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर में अहम खबर। आप जी न्यूज के साथी सुधीर चौधरी को तो जानते होंगे। वैसे तो किसान एहतजाज हो या फिर शाहीनबाग के एहतजाज में दलाल पत्रकारों की बेइज्जती तो देखिए, लेकिन अब ये जलील पत्रकार विदेशों में भी पहचाने जाने लगे। अबू धाबी में हो रहे एक इजलास से जी न्यूज के दलाल साहबी सुधीर चौधरी को हटाया गया। भारत के साथ बाहरी मुल्कों में भी दलाल साहबियों की पहचान हो रही है, लिहाजा इन्हें हर जगह पर जिल्लत उठानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में जो सही सहाफत करेगा वही बचेगा, क्योंकि जब हुकूमतें बदलती हैं तो इनकी दलाली का कारोबार भी बंद हो जाता है और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज वीरभद्र नगर उर्दू स्कूल में सद्दाम हेल्थ सेंटर की जानिब से हिजामा कैंप का एहतमाम किया गया था, काफी लोगों ने इसमें शिरकत की। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह आज जो है बरोज़ इतवार वीरभद्र नगर में उर्दू स्कूल में कैंप हुआ। माशाल्लाह अक्सर लोग हिजामा करा के गए हैं और हदीस पाक का मफहूम है कि हिजामा करना एक बेहतरीन इलाज है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जितनी इलाज करते हो उनमें से सबसे बेहतरीन इलाज जो है हिजामा के ज़रिए से कर्ज लगाने में। माशाल्लाह बहुत से लोग हमारे यहाँ हिजामा किए हैं और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी है माशाल्लाह। और आपसे अगर आपके यहाँ भी हिजामा कैंप कराना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम हेल्थ सेंटर है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसके ऊपर जाकर मेरा फ़ोन नंबर वगैरह भी एड्रेस सब ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ में हमारे पूरे बेलगाम ज़िले के अंदर भी जो है कहाँ भी अगर हिजामा कैंप कराना चाहते हैं तो हमारे ज़रिए से हिजामा कैंप करा सकते हैं माशाल्लाह। और हमारे जितने कमेटी हैं जैसे अभी यंग कमेटी है, टीपू सुल्तान कमेटी, ऐसे बहुत से हमारी जो तंजीमें हैं उन तंजीमों के जरिए तुरंत भी इंशाल्लाह हम कैंप करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं।